हेलो बच्चों, मैं नेहा मिश्रा ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग से, और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर बॉयज, क्योंकि एनडीए एग्जाम में अभी तक लड़के ही जा सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप जो एनडीए का प्रिपरेशन करोगे तो हाउ टू प्रिपेयर और श्योर सक्सेस, आप कैसे पास करोगे, उसके लिए मैं सारा डिटेल यहाँ दे रही हूँ। इस वीडियो को सुनो और ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग के चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत बच्चे इससे फायदा उठाए। बेसिकली जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं और उनके पास ज्यादा साधन नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता, दे आर कैपेबल टू डू बट दे डोंट हैव प्रिविलेजेस, दे डोंट हैव resources, they don't have information regarding everything they can do. तो उनके लिए स्पेशली है और बाकी सारे बच्चे के लिए है, जो इसको सुने इससे फायदा उठे। तो शुरू करें, एनडीए का नेशनल डिफेंस अकेडमी है ये, जो आफ्टर 12th बच्चे इसका एग्जाम देते हैं या 12th परसुइंग जो होते हैं वो, और बहुत ही अच्छा जॉब है। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी डिफेंस में, जिसको डिफेंस में जाने का पैसन है कि वो अपने देश को सर्व करें, साथ में उनके जो इसका इस प्रोफेशन में जो सैलरी है, जो ग्लैमर है, जो प्रेस्टीज है, वो बहुत अच्छा है। आपकी एनडीए क्रैक करने के बाद अगर आप पास कर जाते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और ज्वाइनिंग की ऑफिसर से होता है, और अगर आप में क्वालिटी है, अगर आपकी एबिलिटी है, तो आप बहुत ही आगे आगे तक पहुंच सकते हो अपनी एबिलिटी के बदौलत। तो शुरू करते हैं बच्चों, जो 12th एग्जामिनी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी बच्चे जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, जो 22nd अप्रैल को होने जा रहा है एग्जाम इन 2019, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है। सारे सभी चीज को सुने ध्यान से और अच्छा से अपना प्रिपरेशन करें। इट्स वेरी इजी टू क्रैक, ओनली द थिंग इज दैट कि कहीं भी किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको ऑनेस्ट लेवल करना होता है, ऑनेस्ट लेवल अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से पास करोगे, कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखो, ये जो एग्जाम है एनडीए का, नेशनल डिफेंस अकेडमी का, ये ट्वाइस अ ईयर हेल्ड होता है, दो बार साल में होता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो मैं थोड़ा और डिटेल दे देती हूँ कि अप्रैल वाले एग्जाम के लिए जो फॉर्म है वो नॉर्मली दिसंबर जनवरी में आ जाता है और अप्रैल में एग्जाम होता, इसका रिजल्ट जो है अप्रैल वाले का वो आ जाता है मई में, और जून तक, यस, और जो दूसरा एग्जाम है वो सितंबर में होता है, यानी जो जो 11th पास बच्चे होते हैं, जो 12th परसुइंग होते हैं, वो भी इस एग्जाम को देते हैं, और इसका और भी आगे क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन, कौन बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो 12th परसुइंग हो, जो पेपर देंगे 2019 में, अगर हम एक एग्जाम्पल लें जो 2019 के 12th परसुइंग कैंडिडेट, इट मीन्स की जिनका बोर्ड एग्जाम है अभी मार्च में, तो वो भी दे सकते हैं, और या नहीं तो 12th पास बच्चे हो वही बैठ सकते हैं इसमें, 11th पास, 12th परसुइंग या फिर 12th पास, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस स्ट्रीम के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, तो विथ एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एनडीए एग्जाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे जो 12th कर रहे हो या जो 12th पास है वो बैठ सकते हैं इस एग्जाम, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, इसका जो एज है वो आप 16.5 से लेके 19 साल तक दे सकते हो, जितनी भी अटेम्प्ट आप अवेल करो वो सारे 16 से 19 वर्ष तक, यानी 16.5 to 19 ईयर्स। अब इसके सिलेबस की हम बात करें तो यू प्लीज नोट डाउन द सब्जेक्ट्स, क्या आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो सबसे पहले मैथ्स, एक पेपर पूरे मैथ्स का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120 और मार्क्स होता है उसका फुल मार्क्स 300।
क्लियर बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन है जीए, जिकेट सेक्शन इसको बोलते हैं, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स इसके भी होता है। और जीकेट सेक्शन में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंग्लिश है, जीके है, साइंस है, कुछ जीए से भी क्वेश्चन होता है। और अगला जो प्रोसीजर है इसका, जब आप रिटन पास करते हो फिर आपका आपको एसएसबी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो आपके मैथ्स के मार्क्स, ग्रेड सेक्शन के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स। तो ये सारे मार्क्स इसमें से आपको सारे मार्क्स में लाने, सारे मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सभी में अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें कि कैसे आप प्रिपेयर करो इसको। मैथमेटिक्स इज ओनली द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, कंसेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, और कंसेप्ट के साथ साथ आप जितना प्रैक्टिस करोगे ज्यादा उतना अच्छा स्कोर करोगे। सी द फर्स्ट पेपर इज ऑफ मैथमेटिक्स, एक पेपर ही पूरा मैथ्स का होता है, जो 11th 12th के लेसन्स का क्वेश्चन होता है, और वो सारे क्वेश्चंस अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाते हो तो मैथमेटिक्स में पास हो सकते हो, बढ़िया बढ़िया नंबर ला सकते हो। अब हम मैथ्स की अगर लेसन्स की बात करें, क्या क्या लेसन आपको प्रिपेयर करना है, तो वो है सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोएफिशिएंट्स, सॉल्यूशन कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट है सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशंस, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे लेसन मैथमेटिक्स का आपको कंसेप्ट पहले बढ़िया बनाना है और खूब सारा प्रैक्टिस करने है, फिर आप श्योर एंड शॉर्ट पास करोगे ही करोगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अब हम एक और सब्जेक्ट पे आते हैं जो गेट सेक्शन, ये तो मैथमेटिक्स का सारा लेसन हो गया। एक है गेट सेक्शन में इंग्लिश, इंग्लिश में आपको क्या प्रिपेयर करना है, वो है स्पॉटिंग एरर्स, एडियम्स फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट। तो ये सारे लिस्ट, सारे टॉपिक्स जो है वो इंग्लिश में तैयार करना आपको, और वही वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके आने एग्जाम में, और जो बेसिस होता है वही जो 10th 12th में आप इंग्लिश पढ़ते हो उसी बेसिस में क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट जो गेट सेक्शन का दूसरा है वो है साइंस। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सेक्शंस तैयार करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि फिजिक्स में किस किस लेसन से और किस स्टैंडर्ड का आपको तैयार करना है। तो फिजिक्स नॉर्मली जो होता है वो 10th लेवल और 11th 12th तीनों को अगर आप करेक्ट करते हो तो दैट इज गुड। बेसिकली इसमें सिंपल क्वेश्चन ही होते, और 10th अगर आपने बढ़िया से किया है और 11th 12th को अगर आप जितना आगे कनेक्ट करो तो दैट विल पे यू, आई मीन कि वो अच्छा ही रहेगा। तो 9th 10th का साइंस बेसिक है इसका। फिजिक्स में आप चैप्टर्स का नेम लिखो, आप ये सब चैप्टर्स को तैयार कर सकते हो, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मोशन एंड ऑब्जेक्ट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम, ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अफेक्ट्स ऑफ हीट, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जनरल प्रिंसिपल्स इन द वर्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
तो ये फिजिक्स का लेशन है बच्चों, इसमें फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो वो भी 10th स्टैंडर्ड का ही साइंस होगा, बेसिक साइंस ही होता है और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। बायोलॉजी में भी जो जितने भी बायोलॉजी आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है उसी में से साइंस सेक्शन क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो जीके सेक्शन है वो SST अप टू 10th जो आपने पढ़ा है, आई मीन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सेक्शन, और साथ में कुछ जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में अभी हैपन हो रहा है, आई मीन जो डिफेंस से रिलेटेड बातें हो रही हैं या फिर जो डिफेंस सेक्टर्स के हेड है लाइक दैट, वो आपको सिलेबस जो ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग के साइट पे है www.brilliantacademyoflearning.com पे जाओगे तो और भी डिटेल आपको मिलेगा। तो ये सारे प्रिपरेशन अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत से पढ़ते हो अंडर गुड गाइडेंस तो निश्चित रूप से पास करोगे, और पास करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट एज एन ऑफिसर होगा एंड देन आगे तो अच्छा से अच्छा ही अच्छा से अच्छा ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। थैंक यू।